उज्जैन और काशी विश्वनाथ के बीच में चलेगी विशेष ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की है। रविवार सुबह रेल मंत्री ने एक होटल में पत्रकारों से चर्चा की। रेल मंत्री ने कहा कि महाकाल और काशी विश्वनाथ को जोड़ने के लिए रेलवे के द्वारा जल्दी एक विशेष ट्रेन शुरू की जाएगी। इससे पहले काशी विश्वनाथ के लिए अहमदाबाद से भी एक विशेष ट्रेन 17 तारीख को रवाना हो रही है। उसी की तर्ज पर ये ट्रेन भी उज्जैन और काशी के बीच में चलाई जाएगी। आज मैं महाकाल के दर्शन करने आया था और वहाँ पे सभी लोगों की इच्छा थी कि एक महाकाल और काशी विश्वनाथ को जोड़ने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की जाए। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि महाकाल और बनारस के बीच में एक विशेष ट्रेन सुविधाओं से युक्त और IRCTC के माध्यम से, जैसे हमने दिल्ली से लखनऊ एक ट्रेन जो पूरी तरीके से IRCTC चलाती है, दूसरी एक ट्रेन 17 तारीख को अहमदाबाद से शुरू होकर मुंबई जाने वाली है, वैसे ही उन्हीं हिसाब पे ये एक ओवरनाइट ट्रेन IRCTC के माध्यम से इंदौर से चलेगी और काशी विश्वनाथ बनारस को जोड़ेगी। कोशिश ये रहेगी कि ट्रेन जल्द से जल्द शुरू हो जाए और एक प्रकार से जो दर्शन के लिए यात्री जाना चाहते हैं उनको सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि पूरे भारत में आने वाले पर्यटक देश के सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर इंदौर को भी देखना चाहते हैं। वहीं अन्य मुद्दों पर भी मंत्री ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। पर्यटन की दृष्टि से देश और दुनिया से लोग भारत आते हैं, उज्जैन भी आना चाहते हैं। भारत के सबसे सुंदर शहर इंदौर को देखना चाहते हैं, स्वच्छ शहर इंदौर को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करके बनारस की प्राचीन धरोहर जो भारत की शान है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी क्षेत्र है, उसको भी जोड़ते हुए हम ये ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स अब सब ये लोग वर्कआउट करेंगे, पर क्योंकि निर्णय आज सुबह ही लिया गया, मुझे लगा कि आज कल लोहड़ी, फिर मकर संक्रांति, अब त्योहारों के दिन शुरू होने वाले हैं, उत्तरायण भी कल ही है, तो उसको आप सबके माध्यम से हमारे इंदौर के और उज्जैन की जनता को एक खुशखबरी।